अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, आप सब ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आई एम मिस इकरा मानल। टुडे हमारा जो साइंस का यूनिट हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है यूनिट नंबर 4, फूड एंड डाइट। यूनिट नंबर 4 है फूड एंड डाइट। हमें नेम से ही ये क्लैरिफाई हो रहा है कि जो हमारा पूरा यूनिट है उसमें हम फूड के बारे में और डाइट के बारे में स्टडी करेंगे। फूड के बारे में हम इस तरह से स्टडी करेंगे कि फूड जो है, फूड में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, कौन से प्रोटीन्स होते हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, विटामिन्स कौन से होते हैं, ऑयल फैट्स एक्सेट्रा, ये सारा हम फूड से रिलेटेड इसे स्टडी करेंगे। और हमें पता है कि अगर हम अच्छी फूड खाएंगे, मींस के जिसमें प्रोटीन्स मौजूद हों, विटामिन्स मौजूद हों, तो फिर हमारी जो बॉडी है वो भी क्या रहेगी, हेल्थी रहेगी। अब हम इस यूनिट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और साथ में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। सबसे पहले दी राइट फूड, हमें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी फूड जो है वो बेस्ट है हमारी हेल्थ के लिए और कौन सी फूड जो है उससे हमें अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि वो हमें नहीं खानी चाहिए। बिकॉज़ कुछ फूड ऐसी होती हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि हमें उनका जस्ट टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए इतनी बेनिफिट नहीं होती, तो हमें उनसे अवॉइड करना चाहिए। और ऐसी फूड खानी चाहिए जिसमें क्या हो, प्रोटीन्स मौजूद हों, विटामिन्स मौजूद हों और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। अच्छा, लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स रीडिंग। फूड कंटेन्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट द बॉडी नीड्स। फूड कंटेन्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट द बॉडी नीड। फूड में ऐसी तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी बॉडी को क्या होती है, ज़रूरत होती है। सम फूड आल्सो कंटेन्स थिंग्स दैट द बॉडी डजंट नीड। कुछ फूड में ऐसी चीज़ें भी मौजूद होती हैं जिसकी बॉडी को क्या होती है, ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद यू शुड नॉट ओनली ईट द फूड डैट टेस्ट बैड। आपको सिर्फ वो वाली फूड नहीं खानी चाहिए जिसका आपको टेस्ट अच्छा लगे। यू शुड मेक श्योर डैट यू ईट द फूड डैट इज़ बेस्ट फॉर यू। आपको इसमें श्योर करना चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए कि आपके लिए जो फूड बेस्ट है वही आपकी हेल्थ के लिए भी बेस्ट है। और आपके लिए कौन सी फूड बेस्ट है, विटामिन्स जिसमें मौजूद हों, मिनरल्स मौजूद हों, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हों, प्रोटीन्स मौजूद हों, वो वाली फूड आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल बेस्ट है। नेक्स्ट, योर बॉडी नीड्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड सॉइल एंड फैट्स। आपकी बॉडी को प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत होती है, मिनरल्स की भी और विटामिन्स और ऑयल और फैट्स की भी। सो लेट्स सी व्हाट दीज थिंग्स डू एंड विच फूड यू कैन फाइंड देम इन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन्स, प्रोटीन्स से हम स्टार्ट करते हैं। योर मसल्स एंड ऑर्गन्स आर लार्जली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। हमारे जो मसल्स और ऑर्गन्स हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। ईटिंग फूड डैट इज़ रिच इन प्रोटीन, ईटिंग फूड डैट इज़ रिच इन प्रोटीन हेल्प्स दीज पार्ट्स ऑफ योर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे हेल्थी। हमें अगर ऐसी हम फूड ईट करें जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा हो तो ये क्या करेगी, हमारी बॉडी को हेल्थी रखेगी। प्रोटीन्स इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अच्छा, अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कुछ तो हमारी बॉडी खुद मेक करती है, मतलब कि खुद बनाती हैं, और कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे भी मौजूद होते हैं जो कि हम प्रोटीन्स की फॉर्म में कहाँ से गेन करते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्म में हम खुराक से हासिल करते हैं। तो हमारी बॉडी जो है वो अमाइनो एसिड्स पूरे तो नहीं बनाती, मतलब कंप्लीट रिक्वायर नहीं करती, इसकी जो नीड है वो कम्प्लीटली पूरी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि जो रिमेनिंग अमाउंट रहती है वो हम कहाँ से गेन करते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्म में, फूड से गेन करते हैं। जी बिल्कुल, योर बॉडी नीड्स अमाइनो एसिड टू वर्क प्रॉपरली। आपकी बॉडी को अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, और वो हम कहाँ से अचीव करते हैं, प्रोटीन से, और प्रोटीन हम कहाँ से अचीव करते हैं, फूड से अचीव करते हैं। आपकी बॉडी को अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर नीड होती है।
While your body can make some of the types of amino acids it needs, it cannot make all of them. मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि जो अमाइनो एसिड है वो हमारी बॉडी जो है वो उसे मुकम्मल तौर पे कंप्लीट रिक्वायर नहीं करती। इसकी जो रिमेनिंग अमाउंट होती है जो कि हम उसे प्रोवाइड करते हैं अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को, हम जो रिमेनिंग अमाउंट रहती है अमाइनो एसिड की वो हम फूड ईट करके तो अपनी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, मीन्स के देते हैं। नेक्स्ट देखें, द अदर अमाइनो एसिड्स आर अवेलेबल इन फूड डैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स हमारे पास बेसिक जो है वो प्रोटीन्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, ये हमने अभी ऊपर भी इसके बारे में रीड किया है। हेयर आर फूड्स डैट आर रिच इन प्रोटीन्स। अब यहाँ पे हमारे पास जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो फूड कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रेड मीट, सेकंड फिश, पोल्ट्री, एग्स, बीन्स, नट्स एंड राइस। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। हेयर इज द एक्टिविटी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें आपने बताना है विच ऑफ दिस फूड कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन। ये आपके पास फूड की पिक्स जो है वो गिवन है, आपने बताना है कि इनमें से किस में जो है वो प्रोटीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑब्वियसली इसको फाइंड आउट करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा बिकॉज हमने पीछे इसकी एग्जांपल्स भी रीड आउट की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइस के बारे में, राइस इज इट रिच इन प्रोटीन? यस, बिकॉज वी नो डैट राइस इज रिच इन प्रोटीन। सो आई एम जस्ट टिकिंग हेयर, मैं यहाँ पे जस्ट टिक कर रही हूँ। आपने क्या करना है कि जो रिच होंगे उनको आपने ये जो प्लेट के फॉर्म में पिक गिवन है यहाँ पे आपने इसको फिल कर देना है, मीन्स के राइस आपने यहाँ पे मेंशन करना है अपनी अपनी टेक्स्ट बुक पे। तो आई एम जस्ट टिकिंग हेयर राइस, कैरेट्स नो, एग्स ऑब्वियसली, सो आई एम टिकिंग हेयर एग्स, एप्पल्स नो, फिश यस फिश, नेक्स्ट रेड मीट यस, चिकन यस, चॉकलेट नो, ओके आई एम आल्सो डूइंग क्रॉस हेयर, पोटैटो, पोटैटो चिप्स नो, पोटैटोस नो। अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन्स इन द फूड। आज हमने जो कवर किया है वो है कि फूड में प्रोटीन्स का जो रोल है उसके बारे में हमने आज इसके बारे में क्लियर कर दिया है मैंने आपको। और ये है कि अब आपने वो वाली फूड ईट करनी है जिसमें प्रोटीन्स जो है वो ज़्यादा हो, ना कि वो जो आपको टेस्ट में बेस्ट लगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।